भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ क्या भारतीय टीम रचेगी इतिहास या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पिंक बॉल टेस्ट में कायम रखेगी अपना अजय रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले मैच के समापन के बाद दूसरे टेस्ट मैच की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार दूसरा मैच कब और कहां पर खेला जाने वाला है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में आपको मैच से जुड़ी हुई पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, आंकड़े, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच पर्थ के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर इतिहास रच दिया। ऐसे में अब भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच के रूप में लेट के ओवल मैदान पर खेलना है, जो दिन रात्रि टेस्ट मैच होगा। तो चलिए दोस्तों, इस मैच के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोनों टीमों के आंकड़ों के बारे में जिक्र करें तो दोनों टीमों के बीच में 108 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 33 मैच में जीत और 47 मैच में हार का सामना किया है। तो वहीं 29 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया धरती पर दोनों टीमों के बीच 53 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 11 और 20 मैच में हार का सामना किया है और 12 मैच ड्रॉ भी रही हैं। इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आंकड़ों के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच में अभी तक 16 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें भारत ने 10 सीरीज और कंगारू टीम ने 5 सीरीज जीती हैं और 1 सीरीज ड्रॉ रही है, जिसमें 57 मैच के अंदर भारत ने 25 मैच में जीत और 20 मैच में हार का सामना किया है और 12 मैच ड्रॉ रही हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में 7 सीरीज के अंदर भारत ने 3 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया, जहां पर 26 मैच में भारत ने 6 में जीत और 4 मैच में हार का मुंह देखा और 6 मैच ड्रॉ हैं और पिछली 4 सीरीज भारत ने जीती है। तो वहीं पिंक बॉल टेस्ट की रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कंगारू टीम ने 11 पिंक बॉल टेस्ट अपने नाम किए हैं और कंगारू टीम अजय रही है। तो वहीं भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें भारत को 3 मैच में जीत मिली है और एकमात्र मैच भारतीय टीम ने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ गंवा दिया है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड के ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैदान के बारे में बात करें तो यहां पर दोनों टीमों के बीच 13 मैच खेले गए हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच और भारत ने 2 मैच के अंदर जीत दर्ज की है। तो वहीं एक मैच ड्रॉ रहा है, जहां पर इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे शर्मनाक 36 रन पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो वहीं इसी मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस मैदान पर तेज गेंदबाज को मदद मिलने वाली है और कोई भी बल्लेबाज सेट होने के बाद काफी ज्यादा घातक हो सकता है। तो वहीं स्पिनर भी धीरे धीरे मैच के अंदर हावी हो जाते हैं। तो वहीं मौसम के हाल के बारे में जिक्र करें तो 2 मैच वाले साफ मौसम रहेगा और बारिश की संभावना ना के बराबर रहेगी। दोस्तों, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच में डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच के रूप में एडिलेड के ओवल स्टेडियम पर 6 दिसंबर से खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और इस मैच में टॉस का समय सुबह 9 बजे का रहेगा। तो वही लाइव स्ट्रीमिंग 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी हॉटस्टार इसका प्रसारण करने वाला है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है और आप इस पर किसी भी भाषा में मैच का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैक्स विनी और उस्मान ख्वाजा उतरेंगे। तो वहीं मध्य क्रम में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानुस लबुशने और विकेटकीपर एलेक्स कैरी खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर मिशेल मार्श खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर जॉश हेजलवुड, कप्तान पैट कमिंग्स और मिशेल स्टार्क को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं स्पिनर के तौर पर नाथन लियोन को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारत के लिए केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। तो वहीं मध्यक्रम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ में विकेटकीपर की भूमिका में ऋषभ पंत खेलेंगे। इतना ही नहीं, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्र अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज को अब खेलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गावस्कर सीरीज में पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने भारतीय टीम को धमकाते हुए उगला जहर। तो मिचेल स्टार्क ने बदतमीजी की सभी हदें पार करते हुए जो कहा, सुनकर आपका भी खौल जाएगा खून। तो आखिर कैसे बॉर्डर गावस्कर शुरू होने से पहले माइंड गेम्स खेलने पर उतारू हो गए कंगारू? ऐसा क्या कुछ कह डाला इन ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को धमकाते हुए, उनका यह बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी क्रिकेट टीम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर धमाकेदार शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब बदले की आग में तड़प रही ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
जहां आपको बता दें अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला और इस मैच की खास बात यह है कि ये पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है। जी हां, जब पिछली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पिंक बॉल टेस्ट हुआ था तब भारत केवल 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ये शर्मनाक धब्बा हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। ऐसे में एडिलेड के मैदान पर इस बार टीम इंडिया अपना खराब रिकॉर्ड बदलकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में वापसी के लिए तड़प रही है। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी टीम में वापस आ चुके हैं। उनके आने से भारतीय टीम और भी मजबूत हो चुकी है। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी ताकि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को एडिलेड में चूर चूर कर सके। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में हराने की खुली धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। इतने नहीं, कुछ खिलाड़ियों ने तो भारत को सबसे कमजोर टीम तक बता दिया है और इन सभी का बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने क्या कुछ भारत की बेइज्जती करते हुए बयान दिया और मजाक उड़ाया है। सबसे पहले टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भारतीय टीम को खुली धमकी देते हुए दूसरे टेस्ट मैच में हराने की बात करते हुए कहा कि भले ही भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हमसे जीत लिया हो, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच में उनकी असली औकात दिखा देंगे। एडिलेड का मैदान हमारे लिए हमेशा शानदार साबित हुआ है और इसी प्रकार हम इस सीरीज में भी इस मैदान पर जबरदस्त वापसी करेंगे। हमारे सभी खिलाड़ी पूरी तरह से दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। भारत के घमंड को हम चूर चूर कर देंगे। हाँ, पहले टेस्ट मैच से हमसे गलती हुई थी जिसकी वजह से हमने गवा दिया, वरना हम उसे मैच को भी अपने नाम कर सकते थे, लेकिन अब हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराने वाले। वहीं टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी भारत को खुली धमकी देते हुए कहा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम एडिलेड में हमारी टीम को पटकनी दे पाएगी क्योंकि एडिलेड का मैदान गेंदबाजों के लिए बना हुआ है और हमारा गेंदबाजी क्रम बेहद मजबूत है। हम भारत के बल्लेबाजों को आसानी से धूल चटा सकते हैं। हमारी टीम इस मैदान में शानदार खेल दिखाती है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर वापसी करेंगे और इस साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगे। मैं खुद इस मुकाबले में संभल कर बल्लेबाजी करूंगा ताकि भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकूं। साथ ही साथ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भी दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटाने की बात करते हुए कहा कि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हम थोड़ा नर्वस हो गए, लेकिन प्रैक्टिस करके हमारा हौसला पूरी तरह से बुलंद है और हम हार का बदला जरूर एडिलेड के मैदान पर लेकर रहेंगे। हमने रोहित और विराट के खिलाफ रणनीति भी तैयार कर ली है, कैसे उनके विकेट को निकालना है पूरी तैयारी हो चुकी है। किसी भी हाल में ये टेस्ट मैच हम जीत कर रहेंगे और भारत के घमंड को चूर चूर करेंगे। हमारे देश में हमें कोई नहीं हरा सकता, इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमारी है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि बुमराह के होने से भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच तो जीत लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। भले इस सीरीज में भारत बढ़त बना चुकी है, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे और हमारे खिलाड़ी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं खुद पूरी तरह से तैयार हूं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का घमंड आसमान छू रहा है और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में हारने की खुली धमकी दे दी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दूसरे टेस्ट मैच को लेकर दुनिया भर के दिग्गजों ने कर दी भविष्यवाणी, इस टीम को विजेता बताते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मैच में तो भारतीय टीम को जीत मिल गई है। ऐसे में अब दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच दूसरे मैच के शुरू होने से पहले दुनिया भर के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर दी है। इस बीच रिकी पोंटिंग, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है और एक ऐसी टीम को विजेता घोषित कर दिया है जिसका नाम सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार दुनिया भर के दिग्गजों ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए भविष्यवाणी करते हुए क्या कुछ कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है, फाइनल में पहुंच सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में भारत को 295 रन से जीत मिल गई। ऐसे में इस सीरीज का पहला मैच पर्थ के मैदान पर भारत ने जीत लिया है। लेकिन अब दूसरा मैच पिंक बॉल टेस्ट के रूप में डे नाइट टेस्ट मैच एडिलेड के ओवल स्टेडियम पर खेले जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इस बीच बयानों का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर दूसरे टेस्ट मैच को लेकर अब दुनिया भर के दिग्गजों ने अपनी भविष्यवाणी कर सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बार की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जिस टीम को जीत मिलेगी उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह मिल जाएगी। लेकिन जिस टीम को इस टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ेगा उसका सफर समाप्त हो जाएगा और इस सीरीज को हम चैंपियनशिप के फाइनल के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में अभी तो भारत आगे चल रही है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज तो हमारी टीम ही जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा,
कि हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं जो पहले मैच का सबक लेकर दूसरे मैच में खतरनाक प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मैच में तो भारतीय टीम को जीत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम को जीत मिलना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के व्यवहार के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को किसी मैच में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हार का मुंह ऑस्ट्रेलिया की टीम देखती है तो अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम का काफी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता है जो विरोधी टीम